मेरठ से खबर है, कोर्ट से लौट रहे गवाह पर तेजाब फेंका गया है। तेजाब डालकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। परतापुर थाने में जाकर पीड़ित ने शिकायत की थी। आपको बता दें कि चंद सारा गांव का रहने वाला पीड़ित प्रशांत त्यागी है। वहीं हादसे के दौरान काफी समय तक वो पीड़ित जो है तड़पता रहा। तो गवाह पर तेजाब फेंका गया, ये बड़ा मामला है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है ये देखना होगा। कोर्ट से लौट रहे गवाह पर इस तरीके से तेजाब फेंका गया। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अतुल, तेजाब यहां पर फेंका गया, किसने फेंका, क्या इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी? देखिए, कोर्ट से गवाही देने के बाद जो गवाह था वो वापस जा रहा था, इसी वक्त अज्ञात बदमाश आकर के तेजाब फेंकते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। आवृत्ति पीड़ित सुनाने के लिए थाने पहुंचता है, वहां पर अपनी बीती हुई जो भी घटना हुई है उसको बताता है, जिसके बाद पुलिस मामले का FIR दर्ज करती है और उसके बाद मुकदमे की जो जाँच है, जो पीड़ित है उसके कहने के अनुसार उन बदमाशों की तलाश में जुट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से गवाह पर तेजाब फेंका गया है, कहीं ना कहीं ये घटना बहुत शर्मनाक है और जो लोग हैं इस तरह से तो कोई किसी की गवाही नहीं दे पाएगा, किसी केस की कोई गवाही नहीं दे पाएगा। पहले मेरठ में एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि 2017 से पहले की यहाँ पर कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि गवाही जो गवाह होते थे उन पर इसी तरह की घटना की जाती थी, गोली मार दी जाती थी, गवाह को मार दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन आज की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात की जाए, कानून का राज है, इसी बीच अगर देखा जाए तो मेरठ में फिर एक बार ये कृत्य देखने को मिला है कि जो गवाह को धमकाने के लिए, डराने के लिए उसके ऊपर सजा। पीड़ित की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, पीड़ित फिलहाल स्वस्थ है, उसको अस्पताल में पुलिस ने तुरंत भर्ती कराया है, जो उपचार उसका चल रहा है जिला अस्पताल में। लेकिन पुलिस उन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, किस केस में गवाही देकर के पीड़ित वापिस जा रहा था, क्या मामला था, वो सभी छानबीन कर रही है पुलिस इन सभी मुद्दों पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी।